तो हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फिर से आ गए आपके लिए एक मज़ेदार बेस्ट सुपर हिट टूल लेकर आया हूँ। इस टूल के मदद से आपका मन चाहे आप एक सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, या आप रैप सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, या आप कोई भी एक म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो सिंपल वे में। इस टूल के मदद से क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपल में एक क्लिक में कर सकते हो। तो आप भी जानना चाहते हो कि किस तरह से क्रिएट करते हो, क्या वो टूल का नाम क्या है, फिर आप वो टूल कैसा यूज़ करते हो आपको पता नहीं, तो इस वीडियो में आपको इस टूल के बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है। चलिए किस तरह से करते जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सागर, आप सभी का स्वागत है सीपीएस टेक्निकल में। आपको वीडियो पूरा वॉच करना है तो नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो, आने के बाद आपको चलिए उस टूल के बारे में जानते हो, टूल किस तरह से म्यूजिक ऐड कर सकते हो। आप बिना कॉपीराइट म्यूजिक आप लेकर आप किसी भी सोशल मीडिया में ऐड करके वीडियो प्रोफेशनल सिंपल में बना सकते हो। तो चलिए कौन सा वो टूल है जानेंगे। आपके पास जो भी ब्राउजर है सिंपल में वो ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मेरा देख सकते हो क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर में आने के बाद देख सकते हो मैं उस टूल का नाम भी सर्च करता हूँ आपको, उस टूल का नाम देख सकते हो ये वो टूल है सिंपल में। उस टूल को मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देख सकते हो फर्स्ट टूल आता है। इसलिए वो टूल पे मतलब जो आप टाइपिंग करके सर्च करने में देख सकते हो फर्स्ट टूल आ गया, तो इस टूल पर क्लिक कीजिए सिंपल में। तो आपको देख सकते हो आपको जो आपको एक्सप्लेन करने मतलब आप रैप सॉन्ग लिख रहे हो या आप किसी भी कैटेगरी का सॉन्ग लेना चाहते हो इस टूल के मदद से सिंपल में वो ऐड कर लीजिए। सिंपल में ऐड करने के बाद चलिए आगे का प्रोसेस वन बाय वन जानते हो। देख सकते हो इधर एक ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। इस ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आपको एक स्क्रिप्टेबल ऑलरेडी लिख कर देगा, लेकिन आपके मन के हिसाब से आप डाल के एक क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल में मैं जो सर बोलता हूँ उस तरह से टॉपिक फॉलो कीजिए। मैं आपको एक बार बताता हूँ, मैं टाइप करके आगे का प्रोसेस आपको वन बाय वन बताता हूँ। देख सकते हो गाइस मैं बहुत लंबा स्क्रिप्ट लिख दिया, लिखने के बाद देख सकते हो इस तरह से मैं जो भी मेरा हिसाब से लिखने का लिख दिया, जो आपको जो जैसा आपको लिखना चाहिए सिंपल में उस तरह से आप लिख दीजिए। लिखने के बाद देख सकते हो आप इधर देखिए जनरेट ऑप्शन, इस जनरेट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। देख सकते हो मैं जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लेता है, समय लेने के बाद आपका म्यूजिक हाजिर। लेकिन उस म्यूजिक को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, फिर आपका वीडियो में ऐड करके फर्स्ट ऑफ ऑल सॉन्ग का मैं म्यूजिक मतलब कम कर देता हूँ, क्योंकि कम करने से मतलब आपको सुनाई नहीं देगा मैं जो बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको एक बार सुना देता हूँ। फिर भी देख सकते हो मैं जो जो टाइटल दिया देख सकते हो इधर भी शो करेगा, मतलब जो मैं लिखा था वो भी इधर शो करेगा, फिर इधर भी शो करेगा। देख सकते हो आपको मैं एक बार सुना देता हूँ। देख सकते हो गाइस ये टूल ने सिंपल में एक म्यूजिक क्रिएट कर दिया। बाद में आप स्टार्टिंग पे क्लिक करके मतलब फिर से एक बार क्रिएट कर सकते हो। आपका लिरिक्स किच भी गड़बड़ होते सिंपल जो भी गड़बड़ होते सिंपल में आप जो भी लिरिक्स से आपका करप्शन कर सकते हो। फिर बाद में आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो रिस्टार्ट कर सकते हो। देख सकते हो इधर ऑप्शन मिल रहा है, आप रिस्टार्ट कर सकते हो, आपका इधर कॉपी लिंक ले सकते हो, फिर आप इधर से ट्विटर को भी डायरेक्ट सेव कर सकते हो। लेकिन आपको डाउनलोड करने का आपका ही डिवाइस में तो सिंपल में मोर ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिंपल में। मोर ऑप्शन पर क्लिक करने में देख सकते हो आप गाइस आप वीडियो का ऑप्शन दिया है लेकिन वीडियो नहीं डाउनलोड होता है, मतलब एरर बताएगा, वीडियो नहीं बताएगा आपको सिंपल में। देख सकते हो इधर भी आपको मिलेगा लेकिन ये भी ऑप्शन किया तो आपको ऑडियो भी मिलेगा, लेकिन आपको इधर देख सकते हो ऑडियो डाउनलोड है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस मतलब इस AI टूल का पूरा ऑडियो ले सकते हो म्यूजिक के साथ, फिर आप किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हो। लेकिन वीडियो फिलहाल के लिए नहीं है इस टूल में, क्यों एरर बता रहा है, लेकिन आपके डिवाइस में काम कर सकता या नहीं अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन इस टूल में तो फिलहाल के लिए नहीं है, आने वाले समय में क्या मालूम फिर से आ सकता है। तो फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट जाके सिंपल में ऑडियो डाउनलोड कर लीजिए। देख सकते हो मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ, ऑडियो पे क्लिक करने में देख सकते हो मेरा जो डाउनलोड है देख सकते हो सिंपल में हो गया। तो मैं आपको एक बार प्ले करके भी सुना देता हूँ, सुन लीजिए। देख सकते हो मेरा प्रोसेसिंग हो गया, होने के बाद सिंपल में आपको डाउनलोड करके आपके डिवाइस में सेव कर लेता हूँ सिंपल में, या फिर तीन डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद फिर से आपके डिवाइस में शो के आता है, बाद में आपको सुनना है तो सिंपल में इस ऑप्शन पर क्लिक करके
आप इस तरह से सुन सकते हो। आप इस तरह से सिंपल में इस टूल के मदद से एक म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। आप इस टूल में और बहुत कुछ जानकारी, आप फिलहाल के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में इस टूल के बारे में अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो के बारे में पूरा पता चल गया होगा, इस टूल के बारे में पूरा ही पता चल गया होगा। तो पता चला तो प्यारा से एक लाइक कर सकते हो। फिर आप इस टूल के बारे में आपके माइंड में कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप सिंपल जाके प्यारा से कमेंट भी कर सकते हो। फिर आपको ऐसा ही मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलता रहना चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस टूल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।